गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे? चलिए, गुड इवनिंग। तो पहले साउंड ऑडिबल नहीं थी, अब ऑडिबल है। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर द लिमिट्स। पहले लेक्चर के अंदर हमने जाना था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स होती क्या, क्यों रिक्वायरमेंट थी लिमिट्स की इनडिटर्मिनेट को फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए। आज हम मेथड्स की बात करेंगे, लिमिट्स को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के ऊपर बातें करेंगे। तो वेलकम बैक, दिस इज द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यार्थी विला, बी स्केयर, बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विद्यार्थी। और अब मैं पूरी तरह से ऑडिबल हूं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जल्दी से इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स निकल के आ रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन निकल के आएगा। अब ये कंटिन्यूटी सीरीज में चलेगा। आज एक पहला लेक्चर लेके आया हूं मेथड्स का, कल दूसरा तीसरा, मेरे ख्याल से आगे फर्दर लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम मेथड्स के ऊपर ही बातें करते जाएंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर मेरे पास या तो आंसर क्या निकल के आता है, फाइनाइट आंसर निकल के आएगा, या तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल के आएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मेरा यहां पर पिछला लेक्चर है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या निकल के आते हैं, 0/0 फॉर्म, इनफिनिटी/इनफिनिटी फॉर्म, इनफिनिटी-इनफिनिटी फॉर्म, इनफिनिटी^0, 0^0 एंड 1^∞। ये 7 मेरी मैथ्स के अंदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स निकल के आती हैं। इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिट्स का मेथड निकल के आता है। और अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं, मेरे पास यहां पर डायरेक्ट निकल के आता है, या तो मेरे पास एक फाइनाइट आंसर आएगा, या तो फिर मेरे पास क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल के आएगी। और अपने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल के आ रही है तो हमारे पास मैथ्स के अंदर काफी मेथड्स हैं जहां पर हम अपनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिड्यूस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कुछ एक फाइनल फाइनाइट आंसर्स के लिए, ठीक है, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। आज उन्हीं मेथड्स को हम जानना चाहते हैं, कैसे कौन से मेथड है जिनके हेल्प के साथ आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं। मेरे पास सबसे पहला निकल के आता है, अगर आप ध्यान दें, सबसे पहला मेथड निकल के आएगा फैक्टराइजेशन। अगर आप फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन नाम सुनने के बाद ही मेरे पॉलिनोमियल्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही, जब भी मेरे पास पॉलिनोमियल फॉर्म निकल के आती है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल में है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल में है, तो हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए अपनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करना मतलब चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर। डिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होगी, जिसकी एक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये आपको क्लियर कर दिया था कि हमें लिमिट्स के अंदर आंसर फाइनाइट चाहिए, इंफिनिटी आंसर नहीं चाहिए। इसी तरह से सेकंड मेथड निकल के आता है रेशनलाइजेशन। जब भी अंडर रूट वाला कोई ना कोई पॉलिनोमियल निकल के आएगा तो उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इन फॉर्म एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इनके ऊपर इलावा भी मेरे पास आती हैं। इसके इलावा मेरे पास निकल के आ जाती है फोर्थ, यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, फोर्थ मेरे पास निकल के आ जाते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स मेथड है, स्टैंडर्ड लिमिट्स। यहां पर मैं आपको फॉर्मुलाज की बात करूंगा, लिमिट्स में कुछ नए फॉर्मुलाज निकल के आएंगे उनके ऊपर। इसके अलावा मेरे पास निकल के आ जाती है सैंडविच थ्योरम, ये कॉम्पिटिशन में काम आएगी आपके, सैंडविच थ्योरम निकल के आती है इसके अंदर, ये मेथड्स हैं। हमने लेकिन आज इन्हीं तीन मेथड्स के ऊपर बात करनी है
और अगर आपको आज ये तीन मेथड समझ में आ गए तो याद रखिएगा आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आपको एनसीईआरटी के कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी सम के अंदर भी। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, सीधा ही आगे चलता हूं। आगे मेरे पास क्या निकल के आता है, वी शुड ऑल्सो नो द यूज ऑफ मेथड्स लाइक सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या कर रहा है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये सीरीज चल रही है या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है, ये भी यकीन सीरीज चल रही है, सीरीज का मतलब है सम। फिर के अलावा आपको बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, कभी कभी मेरे लिमिट्स के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी। इसके अलावा रैशनलाइजेशन, देखिए रैशनलाइजेशन डबल रैशनलाइजेशन क्या होती है, अगर मेरे पास न्यूमरेटर में भी कोई अंडरूट में कोई टर्म आ रही है और डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर को अलग से रैशनलाइज किया जाता है, डिनोमिनेटर को अलग से रैशनलाइज किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, डबल रैशनलाइजेशन का। इनको भी आज हम सीखेंगे, आज हम थोड़ा बहुत इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बातें करेंगे। इसके अलावा मेरे पास क्या निकल के आएगा, लर्न द अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए और ये यूज होती है मेरी, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, आपको जो प्लस वन क्लास के अंदर फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं वो आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है, वो फॉर्मूलाज अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। अगर ये कमी रह जाएगी तो लिमिट का कोई ना कोई सम पक्का जो मैं कर सकता हूं सॉल्व शायद माइंड भी रह जाएगा, तो इसके ऊपर बड़ा ध्यान देके चलना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस भूलते हैं तो को लर्न करिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलते हैं, मेरे पास यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन निकल के आ रहा है, तो यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, तो मुझे चेक करना होता है कि उन सेवन इंडिटरमिनेंट फॉर्म में से, जो सेवन इंडिटरमिनेंट मैंने फॉर्म्स आपको बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, उनमें से तो कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास वन निकल, ये कोई फाइनाइट आंसर देगा, तो मैं यहां पर अगर x अप्रोचेस टू जीरो है, x अप्रोचेस टू जीरो मतलब x की वैल्यू में सीधी जीरो पुट कर देता हूं तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, वन, विच इज फाइनाइट। अगर मेरे पास फाइनाइट आंसर निकल के आ रहा है तो डायरेक्ट, अगर मेरे पास फाइनाइट आंसर कुछ निकल के आ रहा है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहां पे x पाई बाय 2 है तो यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहां पर नॉमिनेटर, तो यहां पर भी मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक फाइनाइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब कभी भी मेरे पास एक फाइनाइट आंसर निकल के आ रहा है तब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा, सिंपल सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। तो व्हेनेवर मेरे पास एक फाइनाइट आंसर निकल के आएगा मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, जो भी लिमिट उसने बोली की है, अप्रोचेस टू जीरो बोली है, चाहे अप्रोचेस टू पाई बाय टू बोली है, कुछ भी बोला आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा फाइनाइट आंसर ही हमें चाहिए। So this is the starting, ये मेरा पहला मेथड निकल के आया जिसको मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने, ठीक है। सेकेंडली अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला मेथड निकल के आएगा फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन वहां पर तो आप अगर आप स्कूल सॉल्व कर रहे हो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चल रही, जैसे मेरे पास यहां पर अगर क्या रही है, बस आंसर क्या निकल के आया, पर क्यूब है, बेटा करेक्शन कर लेना, यहां पर क्यूब है, तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास ये क्या निकल के आ रही है, जीरो बाई टू का क्यूब एट, 2 माइनस टू फोर,
माइनस फोर, तो ये क्या निकल के आ रहा है, न्यूमिरेटर जीरो निकल के आ रहा है। डिनोमिनेटर में भी अगर मैं x की वैल्यू टू पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर भी मेरा क्या बन रहा है, जीरो। तो आपको पहले एग्जाम के अंदर बताना है टीचर को कि कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प के साथ ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब जिसके कारण ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है उस फैक्टर को यहां से आप कटिंग करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आप खुद देखिएगा से होता है, जो भी लिमिट के ऊपर न्यूमिरेटर जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर नाइन्थ क्लास में आप फैक्टर थ्योरम पढ़ के आयो, फैक्टर थ्योरम में क्या होता था, पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल निकल के आता था यहां पर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ले लिया इस एक्स की वैल्यू के ऊपर, जीरो निकल के आता था इसका आंसर, वो एक्स की वैल्यू के ऊपर हम क्या कह देते हैं, इज ए फैक्टर। यहां पर भी एक्स इज इक्वल टू टू के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं तो आपने टू वैल्यू पुट की है ना इसके अंदर, तो एक्स इज इक्वल टू टू के ऊपर इसका न्यूमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो इट मींस एक्स माइनस टू, मैं जूनियर क्लास में पढ़ के आया हूं, एक्स माइनस टू इसका क्या बनकर निकलेगा, फैक्टर बनकर निकलेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर भी, डिनोमिनेटर के अंदर भी जब आप एक्स की वैल्यू टू पुट कर रहे हो तभी आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है पॉलिनोमियल का। इट मींस x माइनस टू यहां पर भी क्या निकल के आ रहा है, इसका क्या निकल के आ रहा है, फैक्टर निकल के आ रहा है। तो मतलब तो फॉर्म बनेगी, तो याद रखिए, तो लिमिट डिनोमिनेटर में भी x माइनस टू तो इसका फैक्टर होगा, x माइनस टू फैक्टर न्यूमिरेटर, x माइनस टू फैक्टर निकल के आ गया, यहां पर आप एलिमिनेशन फाइंड कर सकते करने के लिए यहां पर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा ले सकते हो। ठीक है, टेंथ क्लास में आपने अगर आपके पास एक जीरो आ जाता है, दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के लिए यहां पर आप क्या करने वाले हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ये रफ में चला लो, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये पेयर में रखना है, आप ये रफ में भी चला सकते हो। नीरा मैं मान के चल रहा हूं ये आपने जूनियर क्लास में सीखा हुआ है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सीखा हुआ है, तो मैं यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करता जा रहा हूं। देखो ये मेरे पास दूसरा फैक्टर निकल के आ गया इसका, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, सेकंड मेथड निकल के आ रहा। इसी तरह से मेरे पास एक्स माइनस वन निकल के आएगा। अब जैसे ही मुझे फैक्टर्स मिले तो इसकी कटिंग होगी। अब अगर मैं लिमिट डायरेक्टली पुट करता हूं तो मेरी जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं रही, मैंने क्या कर दिया, जीरो बाई जीरो फॉर्म को रिड्यूस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, जीरो बाई जीरो फॉर्म को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो मेरे पास यहां पर क्या निकलूंगा, पर पहले एक बार इसे लिख दो, तो ये आपके स्कूल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करके आना है, जिसके जिस अटेम्प्ट के बाद आपके स्कूल टीचर आपके कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या निकल गया, निकल गया है। तो दिस इज द फर्स्ट सम जिसके अंदर फैक्टराइजेशन की है हमने, और आपको पता चला कि लिमिट जिसके ऊपर न्यूमिरेटर भी जीरो बन रहा था, डिनोमिनेटर भी जीरो बन रहा था, वो उसका पहला फैक्टर निकल के आता है। तो x माइनस टू उसका फैक्टर मुझे ऑलरेडी मिल गया था, न्यूमिरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी, बाकी के फैक्टर्स मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के सॉल्व कर दिया। इजी है भाई, इजी है। ठीक है,
पॉज करके सेकंड सम ट्राई करके देखिए जरा, आपको और ज्यादा इजी लगेगा। नहीं है ये आपको तंग नहीं करने वाली, बताता हूं आपको। पर अभी मैं डर फॉर्म बन रही है आपको, टीचर को अपने एक डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। इसमें एक वेक्टर हमेशा ये बन के निकलना ही निकल, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या ये फैक्टराइजेशन अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड टेक्स प्लेस, किस तरह से सॉल्व करके चलना, ठीक है। बड़े ध्यान से यहां लिमिट्स चैप्टर कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन बीइंग्स की लिमिट्स के बारे में बातें करके चल रहा है। हमारी कुछ ना कुछ लिमिट्स निकल के आती हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स को रिड्यूस करने का मेथड हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम क्या करते हैं सक्सेस गेन कर सकते हैं एग्जाम्स में अंदर या लाइफ के अंदर भी। अपनी लिमिट्स को चैलेंज करिए, उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करिए। जब आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता सॉल्व हो जाती है, उसी तरह से आप भी अपनी लिमिट्स के ऊपर जब काम करेंगे तो आपके भी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स निकल के आ रही हैं वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अंदर आ जाए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बड़ा इजी कंसेप्ट है अभी तक। ठीक है, बढ़ूं आगे, चलिए नेक्स्ट सम चल रहे हैं। तो यहां पर मैंने कुछ ऑलरेडी फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, जैसे मैंने बोला था अगर आपको लिमिट्स के मेथड्स के बारे में सीखना है तो उसके अलावा आपको सीरीज एक्सपेंशन के बारे में भी सीखना होगा। तो यहां पर मेरे पास सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। मैंने बोला था आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी सीखना होगा, तो ये मेरी बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, पर ये यूज कैसे होगा यहां पे? अब इस सम को देखते हैं, ये सम हम सम ऑफ जीपी के फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड्स के साथ बात करूंगा आपकी। जैसे फॉर्मूला याद हो तो निकल के आती है ए, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या निकल के आती है आर। यहां फर्स्ट टर्म मेरी क्या बनकर निकल रही है वन, वन कॉमन रेशियो एक्स है, ये किसके इक्वल होता है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर करते 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 ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, यही होता है। यहां पर भी तो ऐसा ही होगा, ना आ जाए बन रहा है। अब आप यहां पर अगर ये मेरी जीपी बन के निकल रही है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं डिनोमिनेटर कहां गया, अरे भाई ये देखो ना सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है, ए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो वही तो निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी यहां पर लिमिट डायरेक्ट तो वन वन का आएगा वन का नाइन, ये टोटल सॉल्व कर दिया मैंने,
ये सम ऑफ जीपी के साथ सॉल्व कर दिया मैंने। मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरह से इस उनके साथ समझ इसी सब बाइनोमियल समझना चाहते हैं। ठीक है, थ्योरम शुरू मैं आप रिमाइंडर देता हूं पहले लेक्चर में, अगर आपको याद था, अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता था इसे, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें लिमिट चेक करनी होती है उसके नेबरहुड में। ये एक नेबरहुड निकल के आया, ये इसका दूसरा नेबरहुड निकल के आ रहा। ठीक है, ये वाला नेबरहुड येलो वाला नेबरहुड वन से कुछ बड़ा है, मेरे ख्याल येलो और ग्रीन साइन आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये आप ग्रीन वाला नेबरहुड आप कैसे लिख सकते हो, ग्रीन वाले को लिख सकते हो वन प्लस एच। अब ये एच बहुत माइन्यूट सा है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, एच इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो के, अब जीरो के इक्वल नहीं है, लगभग 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 जीरो है, क्या रहा है अप्रोचेस टू जीरो। वेयर एज ये जो येलो वाली बात निकल के आ रही है, आप इसे क्या लिख सकते हो, वन माइनस एच, क्यों वन जीरो। नई चीज याद रखो, नोट करो ये चीज मैंने क्या बताया। ठीक है, मतलब आप राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हो वन प्लस एच और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हो वन माइनस एच। ठीक है, कहीं ना कहीं आ रही है ये एक्स की, अगर राइट नेबरहुड में देखोगे तो वन प्लस एच बन जाएगा, एक्स अगर लेफ्ट नेबरहुड में देखोगे तो वन माइनस एच बन जाएगा। अगर पिछला लेक्चर अच्छी तरह से समझा है देखा है तो ये बात 100% समझ में आ रही होगी आपको, और अगर ये बात अगर समझ में नहीं आ रही तो पहले पिछला लेक्चर अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो गिव ए थम्स अप, अगर ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है तो गिव ए थम्स अप, प्लीज गिव ए थम्स अप अगर ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। आ रही है बात समझ में, जल्दी करो। चलो थैंक यू पाउल, बाकी बाकियों के समझ में आ रही है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब ये बात समझ में आ रही है, अब इसी सम को बाइनोमियल थ्योरम, इसी मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास सम क्या निकल के आ रहा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स रेज टू पावर टेन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, अभी या तो मैं लेफ्ट तो मैं राइट हैंड लिमिट, मैंने आपको पहले ही बोला था पिछले लेक्चर में लिमिट डील्स विद द नेबरहुड, अच्छे रिलेशंस रखो है ना। तो मैं यहां पर वन मैंने आपको पीछे यही बात समझाई, यही बोला एक्स को क्या लिख सकते हो आप वन प्लस एच और एच अप्रोचेस टू क्या हो जाए, यहां पे x को रिप्लेस कर दो h के साथ, कैसे होता था वन प्लस एच रेस टू पावर टेन, ये क्या निकल के आता था टेन सी जीरो प्लस टेन सी वन एच प्लस टेन सी टू एच स्क्वायर करते करते टेन सी टेन
एच की पावर 10, यही आता है बाइनोमियल थ्योरम। अगर तो प्लीज इसे स्किप। तो यहां क्या है, तो ये क्या निकल के आएगा, टेन सी जीरो प्लस टेन सी वन एच प्लस टेन सी टू एच स्क्वायर, करते 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 टेन सी टेन एच रेज टू पावर टेन ब्रैकेट क्लोज माइनस वन, डिनोमिनेटर में मेरे पास निकल के आ रहा है एच। अगर आप टेन सी टेन, बाकी सॉल्व एक बार बस लिख लो। अभी वन से वन की कटिंग हो रही है, यहां पे वन से वन की क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टेन सी एच हर टर्म के नीचे एच के साथ अलग अलग डिवाइड कर दो, तो मुझे डिनोमिनेटर में से एच एलिमिनेट करना है और डिनोमिनेटर में से एच मेरा एलिमिनेट हो भी रहा है, से एच की कटिंग, एच के पावर स्केयर कटिंग, यहां से भी कटिंग इसमें, तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, टेन टेन सी टू एच करते करते टेंस की पावर नाइन। अब आप लिमिट अप्लाई कर दिए, तो कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है, टेन। दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, और यहां पर का सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। अच्छा, इसका एक और मेथड निकल के आएगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, वहां पर मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, वहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। बढ़ू आगे, ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू, प्लीज गिव ए थम्स अप। अगर कोई डाउट निकल तो प्लीज बॉक्स में, आप मैं आपकी चैट कंटिन्यूसली देख रहा हूं। चलिए मैं अगले सम पे जा रहा हूं, तो मेरे पास अगला जेब्रा ऑफ लिमिट्स, जेब्रा मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, कुछ फाइनाइट आंसर निकल के आ रहा है एल। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक इनदर फंक्शन निकल के आ रहा है जी एक्स, उसका एक फाइनाइट आंसर निकल के आ रहा है एम। तो अगर ये दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं और बाहर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ही लगी हुई है, आप इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अलग से सॉल्व करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी से सॉल्व, इजी है। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब भी यही चीज हो जाएगी, अगर आगे आएगा, अगर ये दो फंक्शंस मेरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप तब भी इन्हें सेपरेट करके लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई का ही साइन डालते हुए लिमिट अलग अलग करके लिख सकते हो। एक लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा, एल इंटू एम, एल एम आंसर निकल के आ रहेगा। सिमिलरली फॉर दी मैं यहां पर लिख देता हूं डिवीजन के लिए, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए निकल के आ रहा है एफ एक्स डिवाइडेड बाय, आप अलग अलग से, तो ये कहते हैं हम इसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ये फॉर्मुलेज हैं, हर फंक्शन की अपनी लिमिट बन जाएगी, तो आंसर क्या निकल के आएगा, एल अपॉन एम। प्लीज
इसे नोट कर लो पॉज करके, दिस इज नोन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसे क्या बोला जाता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोला जाता है, ठीक है? लिमिट्स मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड का साइन है, तो ऑपरेशंस बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है इवैल्यूएट। अब देख के ही पता चल रहा है यहां पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, अंडर रूट निकल के आ रहा है, तो मुझे देख के ही पता चल रहा है रेशनलाइजेशन तो कुछ ना कुछ करनी ही पड़ेगी, रेशनलाइजेशन तो कुछ ना कुछ करनी ही पड़ेगी, देख के ही समझ में आना शुरू हो गया मुझे, ठीक है? अब मैं क्या देख रहा हूं, न्यूमेरिकल आ रही है, तो सिंगल सिंगल टाइम आप रेशनलाइजेशन करोगे, इसे सिर्फ एक बार रेशनलाइज करोगे, वो भी न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ, न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ रेशनलाइज करोगे, और कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है? तो मेरे पास यहां पर निकल के आएगा माइनस अंडर रूट टू, सिमिलरली अंडर रूट टू प्लस एक्स, तो रेशनलाइजेशन मेरे ख्याल से नाइन्थ क्लास में आपने सीखा होगा, और तब से लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस पॉजिटिव रहेगा, टू की कटिंग हो रही है तो एक्स आया। ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखना इसके अंदर, एक्स से एक्स की कटिंग, तो लिमिट वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस एक्स प्लस अंडर रूट टू। अभी आप चेक क्या बन रही थी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही, फॉर्म बनती है आपको पहले टीचर को बताना है ये कौन सी फॉर्म है। अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में सॉरी साथ में मेंशन करके चलोगे स्टार्टिंग में पहले स्टेप में कि ये कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, और उसके बाद जैसे जैसे मैं मेथड्स आपको बताता जा रहा हूँ वो वाले मेथड्स लगाते जा रहे हैं। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर ही हमने सीरीज एक्सपेंशन के बारे में भी सीखा, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में भी सीखा। यहां पर अभी मेरे पास ये क्या निकल के आ रहा है, रेशनलाइजेशन मेथड निकल के आ रहा है। तो अगर न्यूमिरेटर के अंदर आप कोई अंडर रूट वाली टर्म देख रहे हो तो न्यूमिरेटर को रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज करते ही आपकी जीरो बाय जीरो फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। प्लीज ध्यान दो, अभी ये जीरो बाय जीरो फॉर्म एलिमिनेट होगी है तो मैं यहां अगर डायरेक्ट लिमिट आंसर क्या निकल के आएगा, टू अंडर रूट टू। चेक करिए मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 2 अंडर रूट 2 निकल के आ रहा आंसर। बड़े ध्यान से, बड़े धीरे धीरे, इत्मीनान से करवा रहा हूं, पहली बार कर रहे हो, माइट भी दिक्कत निकल के आएगी, ठीक है? लेकिन मेरे ख्याल से इतना कि आपको हर बात समझ में आएगी, हर बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो ये मेरा पहला सम था रेशनलाइजेशन मेथड के ऊपर, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, आगे फिर से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट निकल के आ रहा है। जब कभी भी मैं अंडर रूट देखता हूं तो दिमाग में पहले सबसे पहले एक ही चीज निकल के आएगी, रेशनलाइजेशन करना है, यस करना है। लेकिन उससे पहले चेक कर ले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी बन रही है। तो यहां पर इस सम के अंदर मेरी कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो यार ध्यान से देखूं तो एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ रहा है, बन रही है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन। यहां पर जीरो बाय जीरो फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी की फॉर्म निकल के आ रही है, ठीक है? तो लेक्चर के अंदर साफ साफ क्लियर किया था इनफिनिटी बाय इनफिनिटी जीरो नहीं होता, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी जीरो नहीं होता, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर वन के अंदर
ये सारा डिस्कस किया था, तो अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो इसका आंसर जीरो नहीं है, इसका आंसर क्या होता है, इंफिनिटी ही होता है। पर ये मेरी क्या निकल के आती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म, मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये सारा मैं यहां से रब कर रहा हूं और मैं अपने टीचर को स्कूल एग्जाम अगर आता है तो मेंशन करके आऊंगा कि ये कौन सी फॉर्म है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी। अब लेकिन अंडरूट है, रेशनलाइजेशन इज ओनली स्टेप, तो यहां पर रेशनलाइजेशन कर दूंगा, बड़े ध्यान से सिखा रहा हूं ये बात, स्टेप बाय स्टेप अगर सीखते जाओगे तो लिमिट्स तंग नहीं करती। देखो तो ऊपर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मैं ध्यान से बता दूं आपको, ये पूरी चीज ए बन रही है, ये पूरी चीज बी बन रही है, तो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ये ए माइनस बी ये ए प्लस बी, तो अगर ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर अभी रिड्यूस होता जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या निकल के आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ये माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की कटिंग, तो मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, याद रखिएगा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी क्या होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होता है, ठीक है, या फिर मैं इसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद सीधा ही इसे इंफिनिटी लिख दूं, ये चीज नहीं मेंशन करूंगा, इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर है, अरे भाई जीरो आंसर आ सकता है, जीरो इज अ फाइनाइट नंबर, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, जीरो आंसर आ सकता है मेरा यहां पे, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। और इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी लिखने की सीधा आंसर लिखे वन अपॉन इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो जीरो निकल के आ सकता है। तो हमने अभी तक यहां पर क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनाइट वाला मेथड कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, अभी रेशनलाइजेशन मेथड भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सम फिर से, अब ये क्या निकल के आ रहा है, ये मेरा निकल के आएगा डबल रेशनलाइजेशन। मैंने बोला था ना आपको, आज ही मेरे पास कोई ना कोई सम निकल के आ जाएगा डबल रेशनलाइजेशन के ऊपर। क्या करने वाला हूं, पहले तो ये क्या बन रही है, जीरो बाय जीरो फॉर्म, चेक कर लो, हर बार स्कूल एग्जाम में जब भी ये सम आएगा आपको करना है पहले स्टेप के अंदर ही, ये कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन के निकल रही है। तो अगर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन के निकल रही है तो उसके ब्रैकेट में डाल के करोगे अपने, उसे रिड्यूस करने के मेथड्स अप्लाई करने शुरू कर दोगे। तो यहां पर अभी डबल सिचुएशन की रेशनलाइजेशन की बात निकल के आ रही है, तो न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन अलग से करोगे, न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन अलग से करोगे, डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन अलग से करोगे। तो मेरे पास यहां पर क्या आ रही है ए, तो ये लगाने के बाद ये न्यूमिरेटर की पहले रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, ये क्या किया अभी, न्यूमिरेटर की रैशनलाइजेशन की है, इनटू यहां पर अभी क्या करूंगा, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, विजिबल है ना, विजिबल है, विजिबल है, ठीक है।
हाँ जी विजिबल है, ठीक है। तो न्यूमिरेटर की अलग से रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर की अलग से रैशनलाइजेशन, इसे कहते हैं डबल रैशनलाइजेशन। गलती चाहे यहां पर ब्रैकेट्स की गलती करता है, यहां पर भी न्यूमरेटर इज डिनोमिनेट ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये इस तरह ऑफ क्या आएगा ये, अभी कटिंग हो रही है कोई बेटा, ये ना एक्स भी रूट के ऊपर है तो ये स्केयर नहीं आएगा, गलती कहां हो रही है, गलत किया हुआ ये अंडर टू एक्स है, मेरे ख्याल से यही गलती की है मैंने, सम को लिखने सम, ये क्या बन जाएगा टू एक्स बन जाएगा, ये भी अंडर रूट के अंदर ही आएगा, फिर ये चेक पर 3x 3x से कट जाएगा और एक मिनट देख लूं चेक कर लूं मैंने कुछ सम पता नहीं सही कर रहा था यार, के अंदर कुछ गलती निकल के आ रही है इसलिए यहां पर इसे रोक लो, पर मेथड समझो, मेथड ऐसे ही करना था, माइट बी सम कुछ गलत लिखा गया मुझसे, आप दोबारा ट्राई करके देखिएगा, स्टेटमेंट के अंदर कोई गलती होगी मुझसे, अगले सम पे अंदर गलती होगी है, मेरे पास से सम गलत लिखा गया, आगे क्या निकल के आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स निकल के आ रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अंदर मैंने यहां पर क्या हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अंदर मैंने यहां पर आपके सामने कुछ फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, ध्यान से देखना यहां पर क्या? अगर x निकल के आ रहा है तो डिनोमिनेटर में x चाहिए, अगर साइन 2x निकल के आ रहा है डिनोमिनेटर में 2x, नोट करके चलिए ये सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये सेम चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो भाई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तीनों के अंदर ऐसे ही लगेगा, टेन एक्स अपॉन एक्स के साथ भी ऐसा ही है और जो थर्ड फॉर्मूला लिखा मैंने उसके साथ भी ऐसा ही निकल के आएगा, ठीक है, सारा कुछ सेम निकल के आ रहा है, नोटिस करने वाली बातें बता रहा हूं, और इसी के अंदर बच्चा गलतियां करके आता है, तो ये वन आएगा, ये भी वन आएगा, ये जीरो आएगा, ठीक है।
तरह से मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, यू हैव टू फॉर्मूलास मेरे लिमिट्स के अंदर यूज होंगे। इसके अलावा याद रखिएगा एक्स ये होता है 2 sin² x/2, बहुत ज्यादा यूज होगा ये ट्रिग्नोमेट्री का। 1 + cos x होगा 2 cos² x/2, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा। ये दो फॉर्मुलेस मेरे यूज होने वाले हैं। अभी फॉर्मुलेस तो आप नोट कर लो, प्लस टू क्लास तक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ने वाले ये आपके फॉर्मुलेस, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्लस वन में आ गए हैं, बार बार यूज होंगे प्लस टू क्लास में भी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, उन्हीं फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करके मेरे पास सम निकल, तो मेरे पास यहां पर पहला सम क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, नहीं बन रही, तो मैं सीधी लिमिट, मैं अगर सीधी लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, जीरो का स्केयर, ये कॉस जीरो निकल के आएगा, कॉस जीरो क्या होता है, वन, ये जीरो है, ये वन, थ्री आंसर निकल के आ गया, ये मेरा एक फाइनाइट आंसर निकल के आ गया थ्री, ये मेरा एक फाइनाइट आंसर निकल के आ गया थ्री, खत्म होने वाला लेक्चर बस, ठीक है। इसी तरह से यहां पे जो एंगल यहां पे है, ध्यान से देखो जरा, जो एंगल यहां पे निकल के आएगा डिनोमिनेटर में मुझे वही चाहिए, तो मैंने क्या किया, लिमिट ये 1/3 बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एम करने के लिए। देखो समझो बात को, ये 1/3 यहां पे आ गया था 1/3, तो अगर एंगल 2x निकल के आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 2x चाहिए था, मेरे को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ ही डिवाइड कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बोला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जो tan x के साथ एंगल निकल के आएगा डिनोमिनेटर में भी वही चाहिए, अगर 2x निकल के आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 2x चाहिए, तो यहां पर अभी क्या क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा, सीधा पीछे वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आंसर क्या निकल के आ गया 2/3, आंसर क्या निकल के आ गया 2/3, बिल्कुल क्लियर होगा ये, ठीक है। आगे क्या निकल के आ रहा है, फिर से अब यहां पर फिर क्या इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, tan 2x, डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए 2x चाहिए, sin x मुझे इसके डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए x चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, पहले अकेले x के साथ डिवाइड करो, ठीक है। अच्छा एक साइन और टेन ने भी ये लिमिट के फॉर्मुलेज निकल के आएंगे, उसमें एंगल x अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो हमें सोचना पड़ता फिर, तो ये x के साथ ही डिवाइड, ये भी डिवाइड, दोनों को डिवाइड, तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, अगर ये x के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, अकेले अकेले के नीचे x लिख दो, ये 1 बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये तो अभी पूरा मैच कर गया, ये एंगल x है तो नीचे भी x आ रहा है, यहां पर एंगल 2 आ रहा है पर नीचे x आ रहा है, तो यहां साथ ही सिर्फ इसको ही 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, ये देखो जरा नोटिस करके चलो, ये बात के बाद मेरे पास क्या निकल के आएगा, लगा देता हूं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का, तो 2 यहां पे, अच्छा अकेला पर -1 अलग से पड़ा, ठीक है, 3 के साथ भी कोई x नहीं है तो लिखने की, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट बोला था ना, जब भी डिवाइड हो रहे होंगे ऊपर fx है नीचे gx है
तो अलग हर एक के साथ आप लिमिट लिख सकते हो, इसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर टू साइंस के ये क्या होता है, टू साइंस के एक्स बाय टू, ठीक है भाइयों और बहनों भी, ठीक है। तो वही यूज कर रहा हूं यहां पे, मैं यहां पर वही यूज करने की सोच रहा हूं मैं ऊपर। तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, जीरो, ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर। समझो, ठीक है, ये टू को छोड़ो पर अगले स्टेप में, ये टू बाहर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचिस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स। अलग अलग करके लिख लो, चलो अलग अलग करके लिख लो, दिक्कत नहीं आएगी, पहली बार कर रहे हो ना। देखो साइन स्क्वायर उसे लिख दिया साइन एक्स बाय टू, एक्स स्क्वायर था उसे लिख दिया एक्स, यहां पर भी आगे लिमिट x अप्रोचेस जीरो sin x by 2 x by 2। अब एंगल क्या आ रहा है, मैंने क्या बोला था एंगल सेम चाहिए डिनोमिनेटर में भी, एंगल x by 2 है तो डिनोमिनेटर में भी x by 2 चाहिए। क्या किया 2 के ये 2 की ये, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पूरा टू बाहर आ गया बेटा, पूरा मैच कर जाएगा अभी साइन अपॉन एक्स बाय टू लिमिट यहां पर एक्स अपॉन एक्स बाय टू, तो इस तरह से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी है लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको तंग करेगा। एक बार ये सम अपना दिमाग लगा के बिना देख के सॉल्व जरूर करिएगा, हालांकि बहुत इजी है, अभी इतने मुश्किल नहीं है ये सम्स, ठीक है। आगे चल रहा हूं, 13.1 निकल के आ रही है प्लस वन क्लास की, तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि मेरे आज वाले मेथड्स कैसे ये एक्सरसाइज के ऊपर लग रहे हैं। ऑल्दो मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहा, पर मैंने कुछ सिलेक्टेड सम्स लिए हैं आपके लिए, सो दैट आपको पता चले कि एक्सरसाइज के अंदर ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये अप्लाई कैसे हो रहे हैं, उसे अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो मेरे स्टार्टिंग वाले जितने भी सम्स यहां पर जीरो फॉर्म डोमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, क्या है पाए वन का स्क्वायर दैट इज पाए आंसर निकल, डोमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, अगर कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही सीधा लिमिट अप्लाई कर,
डायरेक्ट हो रहे हैं, सीधी लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरी 0/0 फॉर्म बन रही है अभी, ये देखो ये क्या बन रही है वाला मेथड कर। तो यहां पर इसके ऊपर मैं बाइनोमियल ऑडिबल हूं, आ रही है ना, वो एक्चुअली माइक्रोफोन की चार्जिंग खत्म हो रही है बीच में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, तो यहां पर मैं सिक्स सम को यहां पर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा साइड पे लेके जाता हूं इसे, सो दैट मैं बाइनोमियल थ्योरम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पर अभी इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। हालांकि आगे चल के मैं आपको लिमिट का एक फॉर्मूला बताऊंगा, स्टैंडर्ड लिमिट का, वहां से यह डायरेक्ट हो जाएगा सम सॉल्व, बट हो जाएगा ये सम सॉल्व, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाता हूं तो यह आएगा 5c0 x^5 प्लस 5c1 x^4 प्लस करते 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 5c5 डिवाइडेड बाय x, साथ में क्या पड़ा हुआ है, साथ में -1 है, ठीक है। अभी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर लिमिट का ये सम करना है तो पहले बाइनोमियल थ्योरम सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x^5 प्लस 5x^4 ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। 5c5 क्या होता है 1, -1 डिवाइडेड बाय x, ये 1 से 1 की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये x को अकेले अकेले के साथ लिख देना, ठीक है, x को अकेले अकेले के साथ लिखोगे, मैं यहां पर पूरी टर्म्स लिख देता हूं, चलो ठीक है। अगर आप 5c2 को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, अगर 5c3 को सॉल्व करोगे तो फिर से 10 आएगा, फिर 5x, ये 1, ये -1, चलो मैंने पूरी बाइनोमियल लगा दी, ये 1 से 1 की कटिंग हो जाएगी, 5c5 को क्या बोलते हैं 1, तो ये अलग अलग करके लिख देना हम, ये अलग अलग करके लिख दिया, देखिए अभी ये x की x के साथ कटिंग, ये भी x है, सभी की कटिंग हो रही है ऊपर, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर 4 प्लस 5 की पावर x क्यूब प्लस 10 की पावर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 5 आंसर आ जाएगा, बाकी सारा 0 हो गया, बाकी सारा 0 हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यही मेथड सारे समझाए मैंने आपको, देन यहां पे 0 फॉर्म बन रही है, बोला था यहां पर लगा सकते हो सीधा ही, 30 के फैक्टर्स बना लो, पूरा बेसिक सिखा रहा हूं मैं,
3x² - 6x + 5x - 10। तो 3x यहां से तो x-2 आ गया, यहां से +5 तो x-2 आ गया, डिनोमिनेटर x-2 x+2। मेथड के बाद मेरा ये सम सॉल्व होना शुरू हो गया। मैंने पहले ही बोला था आज के मेथड्स करने के बाद आपकी एनसीईआरटी इजीली सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये 0/0 फॉर्म मैंने एलिमिनेट कर दी यहां पे, तो सीधी डायरेक्ट अभी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ये आया 11/4, ये मेरा आंसर। समझ में आया तो आपको ये एनसीईआरटी के सम्स बिल्कुल 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 तंग नहीं करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट मेरी क्या बन रही है 0/0 लगा सकते हो। ये मेरी 0/0, इसका आंसर सीधा ही क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। अकेला आंसर क्या निकल के आएगा, बी। 0/0 फॉर्म बन रही है, इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, ये सारे वो सम्स रह गए आज के। ये पर कर लेते हैं एनसीईआरटी के सम्स हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बिल्कुल मैच कर रहा है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, बेटा एंगल मैच बाहर आया, तो मैंने क्या किया यहां पे, मैंने यहां पे ए के साथ ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ए के साथ ही, क्या आएगा ए अपॉन बी इंटू वन, आंसर आ गया ए अपॉन बी। देखो सीधा आंसर निकल के आ गया ए अपॉन बी। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर मुझे सम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में दोनों के एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को एक्स के साथ, बाद जिसका जो है वो लिखना है। अभी ये ए है तो ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ ही डिवाइड, इसका एंगल बी है तो बी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, बी के साथ ही डिवाइड, यहां पर चलो बाहर आ गया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा दिए, तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी के सम्स हैं जो मैंने सॉल्व किए, वो बताया कि आज के मेथड्स के ऊपर बेस्ड हैं। चलिए यहां पर मेरा लेक्चर आज का खत्म होता है। हमने तीन मेथड सीखे हैं मेथड में, अब आगे कंटिन्यूटी में चलता आगे अगर कंपटीशन की बात करें, जेई मेंस की बात करें, तो लॉगरिथम सीरीज भी निकल के आएगी, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी निकल के आएंगे, उनके फॉर्मुलेज अलग से हैं, एनसीईआरटी में आपको उसके फॉर्मुलेज नहीं मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर को जल्दी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। टिल देन गुड इवनिंग, पढ़ते रहिए।